नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो अभी अभी सभी ईसमधारियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत सारी योजना जो है लॉन्च किया गया है। अगर आप लोग ई श्रम कार्ड बनवा रखे, अगर आप लोग ई श्रम कार्ड धारी है, तो आप सभी के लिए ये सबसे बड़ी जो है ये अपडेट है। बहुत सारी योजना जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, आप सभी को कहाँ से और किस प्रकार से जो है आप सभी को लाभ दिया जाएगा, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी ई श्रम कार्ड धारियों के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जो है सेंड किया जा रहा है। उस मैसेज का क्या मतलब है, सारा जानकारी देखने को मिल जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते सभी के मोबाइल पर जो है ऐसा मैसेज को जो है सेंड किया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते इस प्रकार से जो इस मैसेज को सेंड किया जा रहा है, यहाँ पर भारत सरकार की निपुण योजना का लाभ ले, यानी कि जो यहाँ पर साइट जो दिया गया skillindia.gov.in, यानी कि निपुण यहाँ पर देख सकते ई श्रम, इस प्रकार से जो है सभी के मोबाइल पर जो है इस मैसेज को जो है सेंड किया जा रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्या है इसका मतलब क्या है, जैसे आप इस मैसेज पर क्लिक करेंगे तो साइट जो है ओपन हो जाएगा। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो यहाँ पर देख सकते हैं ये निपुण योजना जो है ये लॉन्च किया गया है। अब सभी ई श्रम कार्डधारियों को बहुत सारी योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं निर्माण श्रमिकों को RPL के माध्यम से कौशल प्रमाण और प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रशिक्षण और विदेशों में नौकरी के अवसर और वेतन में वृद्धि के अवसर, बेहतर नौकरी के विकल्प और BOCW और EPF के तहत जो है निबंधन। अब देखिए यहाँ पर कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की सुविधा, घटना से बचाव तथा सुरक्षा के निर्देश, कर्मियों की कार्य जो है कुशलता में वृद्धि। और यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। जिससे नीचे आएंगे तो ये निपुण योजना जो है ये लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय महुआ की निपुण योजना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ स्किलिंग निर्माण वर्कर्स के तहत स्किलिंग रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL और फ्रेश स्किलिंग के माध्यम से जो है कौशल आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए जो है एक पहल है। निपुण भारत के बाहर काम करने के अवसर सहित उज्जवल भविष्य के लिए योग्यता आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रदान जो है करेगा, यानी कि जो इसमें आप सभी को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मैं यहाँ पर सारा जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो यहाँ पर देख सकते प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री 2022 तक के सबसे 12 जो है एम्प्लॉयर बनने की जो है ओर अग्रसर है। इसमें जो है 7.5 करोड़ से अधिक जो है लोग कार्यरत है। यह सेक्टर कुशल श्रम शक्ति की कमी से त्रस्त है और अकेले रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगले 10 वर्षों में 4.5 करोड़ जो है अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता जो है इसमें होगी। और इस इंडस्ट्री को जो है औपचारिक शिक्षा और कौशल की स्वीकृति विकसित करने की जो है आवश्यकता है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रहे तीव्र प्रगति की मद्देनजर श्रमिकों को उत्पादक और कौशल संगत आय में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो इस सेक्टर में कौशल विकास की नितांत आवश्यकता है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये भी जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं निपुण में कौन कौन जो है यहाँ पर भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL कौशल संवर्धन, आने की अप स्किलिंग के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीयता का कोई भी उम्मीदवार जो है यहाँ पर इसमें भाग ले सकते हैं, जिसका उम्र जो है 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके बाद जॉब रोल जिसके लिए जो यहाँ पर RPL सर्टिफिकेशन वांछित, और जैसे कि सेक्टर स्किल काउंसिल और द्वारा यानी कि जो है जॉब रोल के लिए निर्दिष्ट किया गया में पूर्व में अनुभवी, यानी कि पहले से जो है आप सभी को अनुभव होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। उसके बाद जो है कार्य अनुभव से संबंधित अन्य मानदंडों को पूरा करता है, जैसे कि संबंधित जॉब रोल्स के लिए जो है सेक्टर स्किल काउंसिल और द्वारा प्रभावित जो है केस स्किलिंग के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीयता का कोई भी उम्मीदवार जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते, उसको जो यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो यहाँ पर 15 से 45 वर्ष के बीच जो आयु सीमा रखा गया है, आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए, और अवार्डिंग बॉडी द्वारा जो है परिभाषित संबंधित जॉब रोल के लिए अन्य मानदंडों को पूरा करता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपना करियर जो है बनाने के लिए इच्छुक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते, जिसके पास आधार कार्ड है और आधार से जुड़ा बैंक खाता है, वे भी इसमें रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते। क्या क्या लाभ है यहाँ पर देखिए, ट्रेनिंग का लाभ जो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल योग्यता का आकलन, महुआ के साथ जो है ब्रांडेड स्किल
इंडिया सर्टिफिकेशन, यानी कि इसके साथ साथ जो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, सर्टिफाइड वर्कर्स को कौशल बीमा, यानी कि जो यहाँ पर आपको 2 लाख तक का जो है बीमा जो है दिया जाएगा, 3 वर्ष का दुर्घटना बीमा यहाँ पर रहेगा, यानी कि 2 लाख रुपये की कवरेज के साथ 3 वर्ष तक का जो है दुर्घटना बीमा, डिजिटल कौशल कैशलेस लेन देन, भीम ऐप, भारत QR कोड आदि का जो यहाँ पर सुविधा दिया जाएगा और इसका लाभ भी दिया जाएगा। उद्यमशीलता स्वरोजगार के बारे में ओरिएंटेशन, EPF BOCW की सुविधाएं, उत्पादकता में वृद्धि और यहां पर वेतन बढ़ाने की भी इसमें संभावना है, और व्यक्तिगत विकास, साइट पर दुर्घटनाओं में कमी, इंडस्ट्री की जानकारी का जो है आप सभी को लाभ दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो है यहां पर बीमा है 2 लाख तक का जो यहां पर बीमा है, 3 वर्ष का जो है दुर्घटना बीमा जो यहां पर दिया गया है। और आप लोग इसके लिए इच्छुक है तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए जो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आप कहीं भी उस सर्टिफिकेट से जो आप लोग काम कर सकते हैं, और आपको 2 लाख तक का जो है यहाँ पर बीमा 3 वर्ष के लिए जो दिया गया है। नियुक्ता का सारा जानकारी दी गई, तो आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, और श्रमिकों को जो यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस टोल फ्री नंबर पर जो है कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो यही जो है सभी श्रम कार्डधारियों के लिए जो है ये मैसेज को सेंड किया जा रहा है। अगर आप लोग जो इसके लिए इच्छुक है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 लाख तक का बीमा दिया जाएगा 3 वर्ष के लिए, और इसमें जो है आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। तो यही जो यहाँ पर ये निपुण योजना जो है सभी श्रम कार्डधारियों के लिए चलाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।